बीते रोज ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, मलिक को कोर्ट ने 8 दिनों के लिए यानी कि 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी दी है। मलिक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद उनकी बेटी निलोफर मलिक की मामले में प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 2 से 3 महीने से सुन रहे हैं कि ईडी आएगा और हमारे पिता ने हमें सावधान रहने के लिए भी कहा था। बुधवार की रोज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाते हुए ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार के करीबी रहे नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिंक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ईडी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। कोर्ट ने ईडी को मामले की 3 मार्च तक की कस्टडी दे दी है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।